नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन्स, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी के छात्र छात्राएं और दसवीं के छात्र छात्राएं, उसके अलावा कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बॉटनी का जो होता है, बीएससी बॉटनी जो करते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझाने का जो जिम्मेदारी है वो हमारा है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप कि प्लांट हार्मोन्स होता क्या है, हम पौधा हार्मोन्स के बारे में जानते क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो उसको खोजा कैसे किया था। तो सबसे पहले 1906 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 1906 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है मैं प्रेरित करता हूं या उत्तेजित करता हूं। यानी कि ये जो हार्मोन्स है वो उत्तेजना पैदा करता है। अगर ये उत्तेजना पैदा करके अगर किसी के बॉडी को नियंत्रित करने का काम करता है, अपने अधीन करने का काम कर अपने अधीन करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे मान के चलिए पौधों में पतझड़ होता है। आप जानते हैं कि गर्मी प्रारंभ से के बाद, यानी कि जो फरवरी का महीना होता है उस महीना में पतझड़ ऋतु के नाम से उसको जानते हैं। पेड़ पौधा अपने पत्तियों को क्या करते हैं, जमीन के नीचे गिरा देते हैं, तो उन पत्ती के गिरने के बाद कुछ समय के बाद उसमें नया पत्ती गिरता है। तो पतझड़ के क्रिया को भी कोई ऐसा हार्मोन से जो अपने अंदर नियंत्रित रखता है, समाहित रखता है, उसके आगमन पर ही, यानी कि प्लांट बॉडी में उस हार्मोन्स के बनने के बाद ही पतझड़ होगा, वरना पतझड़ का कार्य नहीं होगा। तो जो पूरे पौधों के बॉडी को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसी को हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो आइए, हार्डी नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन्स वे पदार्थ हैं जो पौधों के अंदर स्त्रावित होते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स है वो प्लांट बॉडी के अंदर ही स्त्रावित होते हैं। थीमेन नामक वैज्ञानिक ने 1948 में पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से जाना बताया। यानी कि जो भी पौधों के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जेबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एबेसिसिक एसिड, तो इन सभी हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि फाइटो का मतलब होता है पादप। यानी पौधों के बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इंसानों के बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स पाई जाती है, बहुत सारे उत्तेजना पैदा होती है। जैसे मान के चलिए जो गाय होती है, गाय के थन से दूध निकलता है बाहर, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। गाय को कभी कभी गुस्सा आती है, जानवरों को गुस्सा आता है, तो उस समय एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है। तो हम अभी जानवरों के हार्मोन्स या मनुष्य के हार्मोन्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पौधों के बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में बता रहे हैं। तो पौधों के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब आइए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं कि पादप हार्मोन वे जटिल रासायनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कार्बनिक का मतलब जो पौधों के अंदर पाया जाता है, यानी कि ऐसा केमिकल जो प्लांट के बॉडी के अंदर खुद स्त्रावित होता है। रासायनिक पदार्थ यानी एक प्रकार का ये भी एक जहर है जो पेड़ पौधा के निश्चित स्थान पर बनते हैं। हर स्थान पर ये हार्मोन्स नहीं बनता है, किसी पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान पर बनता है, जो संवहन ऊतक के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचकर पौधों में वृद्धि और विकास के संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहां पर एक शब्द आया संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब होता है आपका जाइलम और फ्लोएम। आप सुने होंगे कि जो प्लांट बॉडी के जड़ में, पौधों के जो जड़ में पाए जाते हैं उसको हम जाइलम बोलते हैं। जो खनिज लवण और पोषक पदार्थ जल, इन सभी को पौधा के जड़ से पौधों के ऊपरी सिरा तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और ऊपरी सिरा यानी कि तने से बॉडी के हर पार्ट, यानी कि प्रत्येक शाखाओं में, पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो ये प्लांट बॉडी के निश्चित स्थान पर स्त्रावित हुआ, बना और उसको बॉडी के हर भाग तक, यानी प्लांट बॉडी के हर भाग
तक पहुंचाने का काम कौन किया? आपका जाइलम और फ्लोएम किया। और इसके जाने से यानी कि इन हार्मोन्स के जाने से क्या होता है कि पौधों का जो बॉडी है, पौधों का जो भाग है, वो क्या रहता है? नियंत्रित रहता है, किसी के अधीन रहता है। तो जिसके अधीन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। वे पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक रसायन है जो पेड़ पौधों के निश्चित स्थान पर बनते हैं और संवहन ऊतक के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच के उनकी वृद्धि और विकास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी पौधों में होने वाले वृद्धि और विकास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हार्मोन का खोज स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था। याद रखिएगा, जो हार्मोन से वो एक प्रकार का जहर है जो पौधों के शरीर के अंदर बनता है। पौधा एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, इसलिए हम लोग इसको कार्बनिक रसायन के नाम से भी जानते हैं। आइए आपको अब प्लांट हार्मोन्स के प्रकार के बारे में और उनके कार्य के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो पादप हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। इसका जो खोज है कोगल और हैगन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी कि ऑक्सिन नामक हार्मोन की खोज कोगल और हैगन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया। और ऑक्सिन तीन प्रकार का होता है, ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी, ऑक्सिन सी, तीन प्रकार का ऑक्सिन होता है। और ए ऑक्सिन पौधों के जड़ और तनों के शीर्ष पर बनते हैं। जो पौधा है उसके जड़ में और शीर्ष में बनने का काम करते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो वृद्धि को नियंत्रित करना है। यानी प्लांट का जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को नियंत्रित करने का काम करता है ऑक्सिन। यानी किसी पौधा का बढ़ाई कम बढ़ रहा है, किसी पौधा का जो वृद्धि है वो ज्यादा हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका ऑक्सिन करता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। यानी सीडले, जैसे आपको पता है कि आम में एक सीडलेस वैरायटी आता है सिंधु, तो सिंधु के निर्माण में ऑक्सिन नामक हार्मोन मदद करता है। खरपतवारों के नियंत्रण में ये मदद करता है। पुष्पन की क्रिया को यानी फूल आने की क्रिया को भी ये प्रेरित करता है और जड़ के निर्माण में भी ये सहायता करता है। कुछ पौधों के शरीर के अंदर जो ऑक्सिन है यानी कि जो केमिकल हार्मोन्स है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें आप देखिए कि पौधों के शरीर में कुछ केमिकल पाए जाते हैं, ऑक्सिन में कुछ केमिकल पाए जाते हैं, वो निम्न प्रकार का है, जैसे 2,4-D, IAA, NAA, IBA और PAA, इनका फुल फॉर्म है 2,4-diphenoxyacetic acid, 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी दवा है, IAA, indole acetic acid जो एक प्रकार का वृद्धि नियामक है, 2,4-D भी एक प्रकार का वृद्धि नियंत्रण का कार्य करता है, NAA का फुल फॉर्म नेफ्थलीन एसेटिक एसिड, IBA का फुल फॉर्म इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और PAA का फुल फॉर्म होता है फिनोल एसेटिक एसिड। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी एग्जाम में आने का चांस रहता है इन सभी फुल फॉर्म का, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा हार्मोन है उसका नाम है जेबरेलिन। जेबरेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। इसका जो खोज है सुमिकी नामक वैज्ञानिक ने 1936 में किया था। इसका प्रमुख कार्य है पौधों की लंबाई बढ़ाना। पुष्पन तथा फल के निर्माण को नियंत्रित करता है। बीज की प्रसुप्ति को समाप्त करता है। प्रसुप्ति का मतलब होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको हम बार बार बोने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उससे अंकुरण नहीं होता है। अंकुरण यानी नया पौधा के निर्माण नहीं हो पाता है। तो नए पौधे के निर्माण के लिए डोरमेंसी पीरियड का टूटना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड एक ऐसा समय होता है जिस समय पौधों को में अंकुरण का चांस नहीं होता, अंकुरण नहीं होता। अगर पौधों में अंकुरण नहीं है तो डोरमेंसी काल में चला गया है और ये जो हार्मोन है डोरमेंसी को समाप्त करने में मदद करता है और बीजों के अंकुरण में भी मदद करता है। अनुवांशिक रूप से पौधों को बौने नहीं रहने देता है और उसकी लंबाई को बढ़ाता है। अगला जो हमारा हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। इसका जो खोज है मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया, ईस्ट से यानी एक प्रकार की बैक्टीरिया से किया। और लिथाम नामक वैज्ञानिक ने 1963 में नारियल और मक्के के पानी से इसका खोज किया और इसका नाम दिया साइटोकाइनिन। एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों के बॉडी से पाया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन बोलते हैं, जो नारियल के पानी और मक्के के पानी से इसको प्राप्त किया गया। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो सेल डिवीजन करना है, कोशिका विभाजन करना है, भ्रूणपोषी अभ्रूणपोषी को बताना है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन को बताना है। यानी जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को तीव्र करता है तो
तो उसी हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन बोलते हैं। प्रसुप्ति काल को कम करता है, यह भी डोरमेंसी को तोड़ने का प्रयास करता है, पर हरिम विलोपन और प्रोटीन को नष्ट करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल का हिंदी होता है पड़हरिम, तो पड़हरिम को तोड़ने में मदद करने वाले हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका साइटोकाइनिन बोलते हैं। प्रोटीन को नष्ट करता है, प्लांट बॉडी में जो प्रोटीन का निर्माण हुए रहता है उसको नष्ट करने का भी काम ही करता है। एथाइलिन अगला जो हार्मोन है उसको एथिलीन बोलते हैं, और ये हार्मोन्स की खोज की थी डेमेट्री निलजियो नामक वैज्ञानिक ने 1901 में किया था। और इस हार्मोन्स का जो सबसे मेन काम है वो है फल पकाने में सहायता करता है। बार-बार पीएटी के कंपटीशन एग्जाम में आता है कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो फल को पकाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं एथिलीन। सेल डिवीजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। पौधों की लंबाई को बढ़ाता है ज़ेबरेलिन, और पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। जो मेन मेन पॉइंट है उसको जरूर याद रखिएगा। एब्सेसिक एसिड का जो मेन काम होता है पतझड़ कराना होता है। मेन काम को जरूर पूछा जाता है, किस साइंटिस्ट ने किस सन में किस हार्मोन को खोजा वो भी पूछा जाता है, हार्मोन शब्द को किसने दिया। तो जो जो मैं मेन मेन टॉपिक बताया हूं उसको आप नोट करते रहेंगे, और जो ये हार्मोन 4D IAA इन सभी का फुल फॉर्म बताया गया उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो एथाइलिन का प्रमुख काम होता है फल को पकाना, मूल रोम के निर्माण को प्रेरित करता है, बीज के अंकुरण को रोकता है यानी प्रेरित करता है, बीज के अंकुरण को तीव्र करता है, तने और जड़ की वृद्धि को कम करता है, पुष्पन को भी प्रेरित करता है। तो यह हमारे लिए लाभकारी हार्मोन है। एब्सेसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, पौधों की जड़ता पैदा करता है, पतझड़ की क्रिया को उत्तेजित करता है यानी पौधों में जो पतझड़ पत्तों का झड़ना जो होता है वो इसी हार्मोन के स्त्रावित होने से होता है, और बीज के अंकुरण को भी रोकता है यानी ये डोरमेंसी जर्मिनेशन दोनों को रोक देता है ताकि जो बीज है वो डोरमेंसी पीरियड में चल जाए और नया पौधा का निर्माण ना हो। इस हार्मोन की जो खोज है हैम्बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1946 में किया था। तो ये हार्मोन्स जो मैं आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो साइंस फैकल्टी के जो 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं हर जगह मदद करेगा। साथ ही साथ कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए भी ये बहुत जरूरी टॉपिक है और प्रतियोगी एग्जाम में आने का जरूर चांस रहता है। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको जरूर फंसेगा, तो जो जो मेन मेन टॉपिक है उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।